ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था में आपका स्वागत है। मैं कात्यायनी वर्मा, गृह विज्ञान प्रवक्ता, जो मैं आपको पिछले वीडियो में स्वर के विषय में बताई थी। स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों को वर्गीकृत कैसे किया जाता है, स्वरों को उच्चारित कैसे किया जाता है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, इन सब के विषय में मैं डिटेल बताई थी। व्यंजन के बारे में मैंने कहा था कि अगले पार्ट में मैं बताऊंगी। तो व्यंजन, आज का मेरा टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर तो मैंने बताया, जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, यानी स्वर को बोलने में किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। परंतु व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन वे होते हैं जिन्हें बोलने में, यानी व्यंजन शब्द वे होते हैं जिन्हें बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम जो है व्यंजन कहते हैं। व्यंजन छह प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्शी, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है कुछिक, द्विगुण व्यंजन। तीसरा है अनुनासिक और चौथा है अंतस्थ व्यंजन। उष्म व्यंजन, छठवां है संयुक्त व्यंजन। प्रकार से व्यंजन छह प्रकार के होते हैं, यानी कि जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे व्यंजन छह प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्शी, स्पर्श व्यंजन, यानी कि जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग, यानी क से म तक, क से मौत, क से मौत तक जितने अक्षर होते हैं वे, जैसे क ख ग घ अंगा को छोड़ के, च च ज छ ज छ इयां को छोड़ के, यानी कि क से मौत तक जो होते हैं स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते। उच्छित या द्विगुण व्यंजन जैसे हो जाएगा अड़ जो है उच्छित या द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, इनकी संख्या 25 होती है और इनकी संख्या 2 होती है। अनुनासिक, नासिक व्यंजन, अनुनासिक यानी प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर अनुनासिक, नासिक व्यंजन। जैसे मैं उदाहरण में आपको बता देती हूँ, जैसे क ख ग घ अंगा, च छ ज झ
या। जैसे मैं बताई क से मुअत्तल जितने भी अक्षर होते हैं स्पर्श स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत उचित या द्विगुण व्यंजनों की संख्या दो और अनुनासिक यानी कि प्रत्येक वर्ग का, जैसे कि क पर ये क वर्ग हो गया, च पर, फिर ट पर, फिर त पर, यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, यानी एक दो तीन चार पांच, यानी कि अंग, यानी कि अंगा। अंगा जैसे अंगा, इया, अड़ा, अंगा इया अड़ा जो है अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आठ से प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर जो अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आता। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, या र ल व जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उस व्यंजन स, षटकोण वाला श, छोटा स, ह जो है उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, अज्ञा, त्र। इस प्रकार से जो है व्यंजन जो जिन बड़ों को उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़े, नहीं बिना स्वर के वह नहीं बोले जा सकते, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन छह प्रकार के होते हैं। स्पर्शी स्पर्श व्यंजन, क से म तक पांचवे, यानी कि इसको छोड़ कर, यानी क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, यानी ये सारे जो होते हैं स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे क से म तक इनकी संख्या होती है, यदि एग्जाम वगैरह में भी आ जाता है स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो हम बता सकते हैं कि 25 होती है। उच्छित या द्विगुण व्यंजन अड़ अढ़ जो है इनकी संख्या दो होती है। अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर जो है अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है। जैसे अंगा इया अड़ा, ये जो अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, य र ल व अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते। उस व्यंजन श, स, श, ह जो उस व्यंजन के अंतर्गत आते। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, अज्ञा, स। इस प्रकार से जो है व्यंजनों को वर्गीकृत किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि दो व्यंजनों के मेल से, दो व्यंजनों के मेल से, दो व्यंजनों के मेल से, के मेल से संयुक्ताक्षरों, संयुक्त ताक्षर का निर्माण होता है। जैसे क धन स, क धन स बराबर छ, त धन र, त धन र, र, त धन र बराबर त्र, त्रिशूल वाला त्र, ज धन इया बराबर अज्ञा, अब श धन र बराबर श्रमिक वाला श्र। इस प्रकार से
दो व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षरों का निर्माण होता है। प धन स बराबर छ, त धन र बराबर त्र, ज धन इया बराबर अज्ञा, स धन र बराबर श्रमिक वाला स्र। इस प्रकार से जो है दो व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षरों का निर्माण होता है, दो व्यंजन के मेल से। इस प्रकार अब आप लोग को पता चल गया होगा कि मतलब छ का निर्माण यानी ई छत्र अज्ञस्र ये जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यदि आप लोगों से कोई क्वेश्चन करे कि संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे होता है तो आप बता सकते हैं क धन स बराबर छ, यानी छतरी वाला छ, क को मिलाए और स को मिलाए उसके छ का निर्माण हुआ, त को मिलाए र को मिलाए त्र का निर्माण हुआ, संयुक्ताक्षरों का यानी दो व्यंजनों के मेल से जो है संयुक्त अक्षरों का निर्माण होता है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। व्यंजन का वर्गीकरण वर्गीकरण मतलब कैसे इसको करते हैं। पहला है अंतस्थ व्यंजन, दूसरा है अर्धस्वर, तीसरा है अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर पार्श्विक व्यंजन, चौथा है लुंठित व्यंजन और पांचवा है उष्म संघर्षी व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य र ल व, य र ल व जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते। अर्धस्वर य व, अर्धस्वर के अंतर्गत य व व्यंजन आते हैं। पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत ल और लुंठित व्यंजन के अंतर्गत र, उस संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत स स स ह, स स स ह जो है उस संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है स स स स स यानी कि बड़ा स षटकोण वाला स और छोटा स, महाप्राण अघोष, महाप्राण अघोष के अंतर्गत आते हैं। बड़ा स षटकोण वाला स और छोटा स महाप्राण अघोष के अंतर्गत आते हैं। और इनमें ह ह महाप्राण अघोष सघोष महाप्राण सघोष के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से जो है व्यंजनों को इस प्रकार वर्गीकृत किया था, अंतस्थ व्यंजन य र ल व जो होते हैं वो आते हैं। ये जो है कंपटीशन में भी जैसे सी टेट वगैरह हुआ, टेट वगैरह हुआ, यूपीएससी का एग्जाम वगैरह हुआ तो उसमें जो है हिंदी में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या य र ल व,
अर्ध स्वर में य व, अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं य व, पार्श्विक व्यंजन ल, लुंगिक व्यंजन र, उपसंघर्षी व्यंजन स, 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 ह, यानी कि उस संघर्षी में जो है दो पार्ट होते हैं, एक होता है अघोष, एक होता है स घोष। जैसे स, 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 ह महाप्राण अघोष और ह महाप्राण स घोष के अंतर्गत आता है। इस प्रकार जो है अब मैं आपको बताती हूँ ये हो गया हमारा व्यंजन का वर्गीकरण। अब मैं बताती हूँ आपको कि अल्पप्राण, अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण सघोष अघोष। जैसे हमने उसमें व्यंजन में बताया, जैसे हमने उसमें व्यंजन में बताया स बड़ा स और षटकोण वाला स छोटा स और है उसमें कुछ महाप्राण सघो यानी स स स उसमें महाप्राण जो है अघोष के अंतर्गत आते हैं और ह जो होते हैं महाप्राण स घोष के अंतर्गत आते। अब अघोष सघोष आप लोग सोच रहे होंगे कि अघोष और स घोष किसे कहते हैं, अब मैं इसको डिटेल बताती हूँ। अल्प प्राण जिन वर्णों का उच्चारण करने में प्राण वायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं, यानी इन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा व पांचवा अक्षर अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। जैसे हमारा हम ग को जैसे क को ले लेते हैं, जैसे क है क पहला ग को ले लेते हैं और पहला तीसरा क ख ग अंगा, यानी कि जो है प्रत्येक वर्ग का जैसे क वर्ग हुआ, च वर्ग हुआ, ट वर्ग हुआ, त वर्ग हुआ, प वर्ग हुआ, य वर्ग हुआ, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। यानी कि जिन बड़ों का उच्चारण करने में प्राणवायु कम मात्रा में निकलती है इन बड़ों का उच्चारण करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत कम समय लगता है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण जिन वर्णों का उच्चारण करने में प्राण वायु अधिक मात्रा में निकलती है तथा ह की ध्वनि अंत में सुनाई पड़ती है तथा इन वर्णों का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा दूसरा व चौथा अक्षर महाप्राण के अंतर्गत आता है। जैसे दूसरा में हम लेते थे ख, जैसे ख चौथा ख, इसमें जो है च वर्ग में जैसे ले लेते हैं छ छ, यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण के अंतर्गत आता है। अब सघोष, सघोष किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर ग्रंथियों में कंपन होता है उसे हम संघोष कहते हैं। यानी जो जिस वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर ग्रंथियों में कुछ कंपन होती है, स्वर ग्रंथियों में कंपन होने के कारण वह संघोष वर्ण के अंतर्गत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा व पांचवा अक्षर जो है सघोष के अंतर्गत आता है। अघोष, अघोष
जिन बड़ों का उच्चारण करने में स्वर ग्रंथियों में कंपन नहीं होता है उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा यानी कि प और ख, च और छ अघोष के अंतर्गत आते हैं। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि महाप्राण तथा अल्पप्राण में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं अल्पप्राण यानी कि इनको उच्चारण करने में, इन वर्ण का उच्चारण करने में कम समय लगता है, और ठीक इसका उल्टा महाप्राण इन बड़ों का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं महाप्राण। दोनों संघोष अघोष में क्या अंतर है? संघोष यानी कि जिन बड़ों का उच्चारण करने में स्वर ग्रंथियों में कंपन होती है उसे हम कहते हैं संघोष, और जिन बड़ों का उच्चारण करने में जो है स्वर ग्रंथियों में कंपन नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं अघोष। आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम वगैरह में भी आता है। और जो है अब इसके बाद मैं आगे बताती हूँ, अल्पप्राण महाप्राण स्वघोष अघोष ये हो गए हमारे। इस प्रकार मैंने व्यंजन के बारे में बताया, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, बिना स्वर के वो नहीं बोले जा सकते, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्शी स्पर्श व्यंजन, दूसरा है उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, तीसरा है अनुनासिक व्यंजन, चौथा है अंतस्थ व्यंजन, पांचवा है उष्ण व्यंजन और छठवां है संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार से जो है व्यंजन के 6 प्रकार होते हैं, जिनमें जो है ये स्पर्शी स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है, अनुनासिक यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है, और जो है अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, उष्ण व्यंजन की संख्या 4 होती है और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। इस प्रकार से जो है हम व्यंजन को वर्गीकृत भी करते हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन, उष्म संघर्षी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, यानी दो व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षरों का भी निर्माण होता है, जैसे क धन स बराबर छ, त धन र बराबर त्र, श धन ये ज धन इया बराबर अज्ञा, और श धन र बराबर स्र। इस प्रकार से दो व्यंजनों को जब हम मिला देते हैं तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। उसे इस प्रकार जो है कुछ होते हैं महाप्राण होते हैं, कुछ अल्प प्राण होते हैं, जैसे महाप्राण जिन बड़ों का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, और ये जिनमें ह की ध्वनि अंत में सुनाई पड़ती है, और जो है इनमें जब इन बड़ों का उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु अधिक मात्रा में निकलती है। अल्पप्राण ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, जिन बड़ों का उच्चारण करने में प्राणवायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। इन बड़ों का उच्चारण करने में अधिक समय नहीं लगता है, कम समय लगता है। और अघोष जिन बड़ों का उच्चारण करने में स्वर ग्रंथियों में कंपन नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं अघोष, और जिन बड़ों का उच्चारण करने में स्वर ग्रंथियों में कंपन होती है उन्हें कहते हैं हम संघोष। इस प्रकार से जो है व्यंजन को वर्गीकृत किया जाता। अब वर्णमाला एक नजर में मैं बता देती हूँ आप लोगों को, याद रखने के लिए आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। वर्णमाला एक नजर में इसको आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। पहला है स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 11 होती है। अयोगवाह स्वर, अयोगवाह स्वर 2 होते हैं, और तीसरा है कुल स्वर की संख्या 13। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है,
द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन की संख्या दो होती है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या पांच होती है, नहीं चार, चार होती है। और उष्म व्यंजन की संख्या भी चार होती है। और संयुक्त व्यंजन, व्यंजन की भी संख्या चार होती है। इस प्रकार कुल मिलाकर वर्ण की संख्या 52 होती है। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। स्वर की संख्या, यदि कोई क्वेश्चन करे स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या 11 होती है। अयोग व स्वर दो होते हैं, कुल मिलाकर स्वर की संख्या 13 होती है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जैसे मैंने बताया कि क से म तक जितने अक्षर होते हैं वह स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। द्विगुण व्यंजन की संख्या दो होती है और अंतस्थ व्यंजन य र ल व इनकी संख्या चार होती है। उस व्यंजन स स स ह उस व्यंजन की संख्या भी चार होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या छ त्र अज्ञा स्र जो है संयुक्त व्यंजन की संख्या चार होती है। इस प्रकार कुल मिलाकर जो है हिंदी वर्णमाला में वर्ण की संख्या 52 होती है। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। इस प्रकार से बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आगे कि यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरी पाठ्य सामग्री आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं हर रोज आपको नए वीडियो अपलोड करके दिखाती रहूं। Thank you.